हिंदी पीटिया पर आपका स्वागत है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और भविष्य की अपडेट के लिए नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखें। दोस्तों, क्या आप जानते हैं थंजावुर में स्थित बृहदेश्वर मंदिर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के द ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स के 3 मंदिरों में से एक है। बाकी के 2 मंदिर गंगईकोंडा चोलपुरम और इरातेश्वर मंदिर है। इस मंदिर को थंजावुर पेरिया कोविल के नाम से भी जाना जाता है। आज हम आपको इस मंदिर के बारे में कुछ रोचक बातें बताने जा रहे हैं, जिसको सुनकर आपके अंदर भी इस मंदिर को जानने की उत्सुकता बढ़ेगी। हमें आशा है कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे। चलिए आपको बताते हैं बृहदेश्वर मंदिर के इतिहास के बारे में। ऐसा कहा जाता है कि यह मंदिर 1000 वर्ष पुराना मंदिर है। इस मंदिर को राजा चोला प्रथम के द्वारा 1010 ईस्वी में बनाया गया था। ऐसा माना जाता है कि 16वीं शताब्दी में बृहदेश्वर मंदिर के चारों ओर दीवारों का निर्माण किया गया। इस मंदिर में 198 फीट का विमान खंभा है, जो कि दुनिया के सबसे ऊंचे खंभों में से एक है। ये मंदिर एक फैले हुए अंदरूनी प्रकार में बनाया गया है, जो 240.90 मीटर लंबा और 122 मीटर चौड़ा है। इस मंदिर के अंदर के मार्ग में दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती और भिक्षाटन, वीरभद्र कालांतक, नटेश, अर्धनारीश्वर और अलिंगाना रूप में शिव को दर्शाया गया है। इस मंदिर के अंदर की ओर दीवार के निचले हिस्से में भित्ति चित्र चोल तथा उनके बाद के अवधि के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। इस मंदिर में एक ही शिला से बनी नंदी की प्रतिमा 16 फीट लंबी और 13 फीट ऊंची है। ये प्रतिमा इस मंदिर के द्वार पर स्थित है। ये मंदिर ग्रेनाइट से बना हुआ है। इस मंदिर के पत्थर 60 मील की दूरी से लाए गए हैं। ये मंदिर तमिलनाडु के सबसे आकर्षक पर्यटन स्थलों में से एक है। इस मंदिर का भूमि पूजन 1002 ईस्वी में किया गया था। राजा अरुलो मोशीवर्म, जिन्हें राजा चोला प्रथम के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने यह मंदिर अपने साम्राज्य को ईश्वर का आशीर्वाद दिलाने के लिए बनवाया था। चोला साम्राज्य की सोच और तमिल सभ्यता के साथ ही द्रविड़ वास्तुशिल्प का उदाहरण है ये मंदिर। ये मंदिर चोला वास्तुशिल्प, मूर्तिकारी, चित्रकारी और कांसे की कारीगरी का उदाहरण है। चलिए अब बात करते हैं बृहदेश्वर मंदिर से जुड़ी संस्कृति के बारे में। ऐसा माना जाता है कि बृहदेश्वर मंदिर सामाजिक, वित्तीय एवं राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र रहा है। इस मंदिर में संगीत, नृत्य और कला को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न आयोजन किए जाते थे। बृहदेश्वर मंदिर को एक धरोहर के रूप में भारतीय पुरातत्व विभाग के द्वारा अनुरक्षित किया गया है। तमिलनाडु के सबसे ज्यादा पर्यटक यहां आते हैं। ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल की इस लिस्ट में इस मंदिर को 2004 में जोड़ा गया था। सभी 3 मंदिर चोला वंश के द्वारा 10वीं से 12वीं शताब्दी में बनाए गए थे और इन सभी मंदिरों में बहुत सी समानताएं हैं। ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल कहलाने के पीछे का कारण ये है कि आज भी इन मंदिरों में विभिन्न आयोजन एवं पूजा पाठ नियमित तौर पर होते रहते हैं। राजा चोला प्रथम के जीवन के बारे में तमिल उपन्यासकार कल्की ने पोनिय सेल्वन नामक उपन्यास लिखा। बाल कुमारन ने भी उदयार में राजा चोला प्रथम और मंदिर के निर्माण के बारे में बताया है। चलिए अब आपको बताते हैं बृहदेश्वर मंदिर के कुछ रोचक तथ्य। पहला, अपनी विशिष्ट वास्तुकला के लिए बृहदेश्वर मंदिर जाना जाता है। इस मंदिर का निर्माण 130,000 टन ग्रेनाइट से किया गया। ग्रेनाइट इस इलाके के आसपास नहीं पाया जाता और ये रहस्य अब तक रहस्य ही है कि इतनी भारी मात्रा में ग्रेनाइट कहां से लाया गया। इस पूरे संसार में ये पहला और एकमात्र मंदिर है जिसको ग्रेनाइट से बनाया गया है। दूसरा, बृहदेश्वर मंदिर के निर्माण कला की प्रमुख विशेषता यह पाई गई है कि इसके गुंबद की परछाई पृथ्वी पर नहीं पड़ती, जो सभी को चकित करती है। इस मंदिर के शिखर पर सोने का कलश स्थित है। इस सोने के कलश को केवल एक ही पत्थर से बनाया गया है और इसका वजन 80 टन का है। इस मंदिर को विश्व के सबसे ऊंचे मंदिरों में गिना जाता है। तीसरा, रिजर्व बैंक ने 1 अप्रैल 1954 को 1,000 रुपए का नोट जारी किया था, जिस पर बृहदेश्वर मंदिर की भव्य तस्वीर है।
विश्व भर में ये नोट बहुत लोकप्रिय हुआ। चौथा, इस मंदिर के 1000 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित मिलेनियम उत्सव के दौरान 1000 रुपए का स्मारक सिक्का भारत सरकार ने जारी किया। ये सिक्का 35 ग्राम वजन का था, जो कि 80% चांदी और 20% तांबे से बना है। इस सिक्के के दूसरी ओर राजा राज चोल प्रथम की तस्वीर बनी हुई है, जिसमें वो हाथ जोड़कर मंदिर में खड़े हुए हैं। पांचवा, पहली बार इस मंदिर को रथ के विपरीत दिशा में स्थित रामार मंदिर से 20 अप्रैल 2015 को निकाला गया था। इस रथ यात्रा में हजारों लोगों ने हिस्सा लिया था। फिर 9 दिनों के बाद 29 अप्रैल 2015 को रथ के ऊपर देवताओं की मूर्तियां रखकर फिर से इसको घुमाया गया था। यह रथ यात्रा 100 सालों के बाद निकाली गई थी। छठवां, साल 1987 में यूनेस्को द्वारा इस मंदिर को विश्व विरासत स्थल भी घोषित किया जा चुका है। अब चलिए हम आपको बताते हैं बृहदीश्वर मंदिर के दर्शन करने का सबसे अच्छा समय कौन सा है। दोस्तों, बृहदीश्वर मंदिर तमिलनाडु राज्य में स्थित है, जहां पूरे साल उष्णकटिबंधीय जलवायु रहती है। गर्मियों में आमतौर पर यहां चिलचिलाती धूप रहती है, जबकि मानसून के साथ हल्की बारिश होती है। साल में बृहदीश्वर मंदिर की यात्रा करने का सबसे अच्छा समय सर्दियों का मौसम होता है। सुखद जलवायु परिस्थितियों के कारण यह मंदिर यात्रा के लिए सबसे अच्छा होता है। दोस्तों, अगर आप भी इस भव्य और सुंदर मंदिर के दर्शन करना चाहते हैं, तो आप यहां ट्रेन द्वारा, हवाई जहाज द्वारा, जल मार्ग द्वारा और साथ ही सड़क मार्ग द्वारा पहुंचकर इस भव्य मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। यहां पर दूर दूर से आए पर्यटकों के रहने और भोजन करने का अच्छा इंतजाम है। यहां मिलने वाली भोजन की थाली में चावल, सांभर, कड़ी, 2 प्रकार की सब्जियां, दही और अचार होता है। इसके अलावा पर्यटक यहां पर इडली डोसा, उपमा, परोता, सांभर, रसम, पोंगल, पेसम, केसरी, स्वीट पोंगल जैसे भोजन का भी स्वाद ले सकते हैं। आशा करते हैं आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और फेसबुक या व्हाट्सएप पर जरूर शेयर करें। ऐसे ही बढ़िया हिंदी वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। अभी लेंगे आपसे विदा, फिर आपसे मिलेंगे एक नई वीडियो के संग। तब तक के लिए अलविदा, सेफ रहें, खुश रहें, धन्यवाद।